अगर प्रदेश में आज चुनाव हो जाए तो देखिए कुल 68 सीटों में से 60 पर भाजपा और 8 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिलेगी। और ये देखिए मंडी जिला के विधानसभा क्षेत्र बल विधायक इंद्र सिंह गांधी ने बड़ा दावा किया है। कहा चुनावों के समय कांग्रेस ने कर्मचारियों से किया मजाक और जो गले की फांस बन चुका है। विधायक इंद्र सिंह गांधी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बदले की राजनीति के कारण दिव्यांग कर्मचारियों के लिए भी यहां पर जो है काफी मुश्किलें खड़ी की हैं। मैंने पहले भी कहा मेरे बत्ती दांदे इस चाहिए आने वाले 2024 के इलेक्शन के बाद फिर से लोटस होगा और आदरणीय जयराम ठाकुर जो है फिर से मुख्यमंत्री बनेगा। चाहे तो बादले की बात थी चाहे और अन्य अन्याय की बात थी, उनकी दिक्कतों को देखकर मैंने जो है राजनीति में प्रवेश किया। तीसरी बार मैं यहाँ जीता हूँ, जो कि एक अपने आप को लालू प्रसाद कहता था उसको मैंने मुंह की दिखा दी है। इस कांग्रेस को जो है मुंह को खाने पड़ेगी। 2024 के चुनाव में चारों सीटें हम हिमाचल प्रदेश से जीत रहे हैं। अगर आज चुनाव हो जाए विधानसभा का चाहे लोकसभा का, तो 68 में से 60 सीटें भाजपा की और 8 सीटें कांग्रेस को आने वाली है। मैं कर्मचारी रहा हूं, ऑफिस में कई तरह के स्लैब होते हैं, लेकिन उसको बिल्कुल भी क्लियर नहीं किया जा रहा है कि किस तरह ऑफिस दी जाएगी। लेकिन अभी कर्मचारी भयभीत है और कर्मचारियों के साथ जो उन्होंने मजाक किया वो इनको खाने आएगी। मुख्यमंत्री बोलता है वो मंत्री को नहीं पता होता है। मंत्री की स्टेटमेंट लग होती है, एमएलओ की स्टेटमेंट लग होती है और मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट लग होती है। जब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एक पोल लगाना पड़ता है या कोई सर्विस बाल लगाना पड़ती है, तो एक छोटे से काम के लिए 500 रुपए का खर्चा आता है एक व्यक्ति का दिन, फिर